हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ये जो है बूस्टर पंप है। तो हम लोग देखेंगे कि बूस्टर पंप क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगा रहता है। मैं इसके बारे में फुल डिटेल से आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बूस्टर पंप क्या होता है। तो बूस्टर पंप क्या होता है कि ये एक पंप होता है जो लो प्रेशर वाटर को हाई प्रेशर वाटर में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। यानी ये जो है क्या करता है, जो पानी जो है आप लोग देख सकते हैं, ये टैंक है, इसमें जो पानी है इसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, बहुत ही लो होता है। तो इस पानी को हम लोग को मान लीजिए कि 5 फ्लोर 10 फ्लोर या बिल्डिंग, आपको पता है कि जो बिल्डिंग वगैरह रहता है वो 50 फ्लोर 30 फ्लोर का रहता है, तो वहाँ पे पानी भेजना होता है। तो अगर हम लोग सिंपल से अगर पाइपलाइन के द्वारा भेजेंगे तो यहाँ से पानी ऊपर नहीं जाएगा, या हम लोग नॉर्मल इसमें मोटर भी लगा के पानी को भेजते हैं तो क्या होगा, पानी जो होगा प्रेशर से नहीं पहुँचेगा। 30 फ्लोर का 20 फ्लोर का 5 फ्लोर का अगर बिल्डिंग है तो वहाँ पर यहाँ से पानी नहीं पहुँचेगा। तो इसके लिए ये क्या है, बूस्टर पंप यूज किया जाता है कि जहाँ पे लो प्रेशर से पानी को हाई प्रेशर में भेजना होता है। यानी जो बड़े बड़े बिल्डिंग, मॉल, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल वगैरह रहता है, या बड़े बड़े बिल्डिंग 10 फ्लोर 20 फ्लोर 30 फ्लोर का रहता है, वहाँ पे यूज किया जाता है। अगर इसमें नॉर्मल से हम लोग मोटर लगाते हैं, नॉर्मल से पंप लगाते हैं, तो क्या होगा, पानी जो होगा कंटिन्यू जाएगा। लेकिन बूस्टर पंप जो है, आप लोग को ये जो है दिख रहा होगा, ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेशर पे ये सेटिंग रहता है कि पानी का प्रेशर कम होगा तो ये क्या करेगा, ऑनलाइन आएगा और पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा तो उस पर क्या होगा, ये जो है ऑफ होगा, यानी कटिंग कट ऑफ इसका प्रेशर पे डिपेंड करता है। आप लोग देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर तक क्या है, इसमें फिंस लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मोटर जो है ऊपर है और ये जो है बीच में फिंस है। तो ये जो ऑनलाइन आता है यानी स्टार्ट होता है, जब रनिंग होता है तो ये फिंस जो होता है इसमें बहुत ही स्पीड से क्या होता है, ये घूमता है। इसका जो स्पीड होता है बहुत ही फास्ट होता है, यानी इसका फिंस जो घूमता है तो क्या होता है कि ये प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो पानी जो इसका सक्शन होता है, जो पानी जो टैंक से आता है यानी सप करता है, वहाँ से पानी को एक्सलरेट करता है, घुमा के इसको जो फिंस होता है उसको स्पीड बढ़ा के ये क्या करता है, पानी को डिस्चार्ज करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये जो है टैंक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो टैंक है और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये इनलेट लाइन है, यहाँ से पानी आ रहा है। लोग देख सकते हैं ये जो है स्ट्रेनर है और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइब्रेशन के लिए ये वाल लगा हुआ है कि वाइब्रेशन करेगा जब चलता है तो थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है और प्रेशर गेज लगा हुआ है और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये कनेक्टेड है। तो जब पानी इसमें से क्या होता है, जब ये ऑन होता है तो पानी यहाँ से सब करके उसको एक्सलरेट करता है, ये बहुत ही स्पीड से, ये जो है फिंस आप लोग देख सकते हैं इसका कितना है, तो ये बहुत ही फास्ट यहाँ से सेट पॉइंट के हिसाब से क्या करता है, प्रेशर को भेजता है। अभी इसका सेट पॉइंट जो है कितना है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका अभी प्रेशर जो है पैनल का 4.9 है। अभी ये ऑनलाइन आया, लोग देख सकते हैं 6.9 है। अभी ये 7 बार पे कट ऑफ हो रहा है और 4.5 पे ये कटिंग हो रहा है, यानी चालू हो रहा है 4.5 पे और 7 बार पे ये कट ऑफ हो रहा है। तो यहाँ से ये जो है तो देख सकते हैं यहाँ से ये भेजेगा और आप लोग देख सकते हैं ये जो टैंक है इसको एक्सपेंशन टैंक और या क्या कहते हैं इसको बूस्टर टैंक भी कहते हैं। तो ये क्यों यूज़ होता है, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग वीडियो को मेरे चैनल पेज पे जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूंगा, ये जो टैंक है ये क्या क्यों यूज किया जाता है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ये जो पंप है क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो 7 बार पर क्या होता है, ये जो है बंद हो जाता है। तो ये टैंक जो है इसमें क्या होता है कि जब ये चलेगा, जो पंप है आप लोग देख सकते हैं, पंप जब चलेगा तो इसमें क्या करेगा, प्रेशर को होल्ड करेगा। इसमें इस टैंक में क्या होता है कि ये जो है डायफ्राम टाइप का होता है, ऊपर जो होता है क्या होता है, ब्लैडर होता है बैलून टाइप का, और नीचे जो होता है पानी होता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है आउटलेट से आप लोग देख सकते हैं ये कनेक्टेड है और ये जो है ड्रेन का है, ये ड्रेन जा रहा है और ये जो है आउटलेट जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज लाइन है, इससे जो बिल्डिंग में जा रहा है उससे ये कनेक्टेड है। तो ये क्या होता है कि प्रेशर जब पानी का इस पाइप में जाता है तो 6 बार होता है, तो उसी लाइन में से ये क्या करता है, पानी को इसमें लाता है। तो इसमें ऊपर जो रहता है ये थैला की तरफ, बैलून की तरफ क्या होता है, एक बैग होता है, ये डायफ्राम टाइप का होता है, तो ऊपर ये बैग टाइप का ऊपर एयर भरा रहता है, नीचे रहता है पानी। तो जब प्रेशर जब ये चलता है तो क्या होता है कि इसमें पानी जो है
जब जाता है तो उसके साथ साथ इसमें भी आता है। इसमें क्या होता है, पानी आएगा तो 7 बार तक ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जो इसमें बैलून टाइप का जो डायफ्राम जो थैला होता है उसमें जो एयर होता है ऊपर की तरफ चला जाता है। जब पंप बंद होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि पानी इधर से क्या होता है धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, तो प्रेशर जो होता है कम होता है तो पानी इधर से चला जाता है तो फिर ये नीचे आ जाता है। तो कुछ टाइम तक क्या करता है ये पंप को होल्ड करता है, नहीं तो अगर ये नहीं लगा रहता है तो पंप जो होता है कटिंग कटअप बार बार होता है क्योंकि प्रेशर होल्ड ज़्यादा देर नहीं होता है। इसके लिए ये बूस्टर पंप होता है कि कुछ टाइम तक क्या हो पंप जो है वो रुका रहे, कुछ प्रेशर को मेंटेन करे, एक बार चालू हो जाए तो कुछ देर तक ये प्रेशर को मेंटेन करे। इसके लिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जो होता है ये बना होता है, इसका इसमें यूज किया जाता है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसमें गैस भरते हैं कि गैस कभी कभी क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ से हम लोग इसमें गैस भर सकते हैं। अभी चेक भी कर सकते हैं कि गैस है कि नहीं, तो अभी इसमें जो है गैस जो है ख़त्म हो गया है, आप लोग देख सकते हैं अभी गैस नहीं है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो गैस नहीं है। तो यहाँ से हम लोग गैस जो है आराम से इसमें डाल सकते हैं, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है वाटर का, और यहाँ से अगर ड्रेन करना होता है गैस भरने के टाइम में हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ से ड्रेन करना पड़ता है पानी जो है इसको ड्रेन करके, उसके बाद हम लोग इसमें गैस भरते हैं। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है NRV है, देख सकते हैं ये जो है प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये आउटलेट लाइन में लगा रहता है। आप कहीं भी जाएंगे तो एक प्रेशर स्विच गेज लगा रहेगा, प्रेशर स्विच लग सकता है या प्रेशर सेंसर लगा रहता है, ये जो है प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। तो ये सेंसर इसको भी कह सकते हैं, प्रेशर सेंसर भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जब प्रेशर जो होता है कम होता है, जब प्रेशर जो ड्रॉप होता है सेट पॉइंट के हिसाब से, ये पंप को ऑन ऑफ करता है। यानी यहाँ पे अभी सेटिंग क्या है 4 बार है और जो कटअप है 7 बार है, तो जब प्रेशर जब होगा 4 बार तो ये क्या होगा पंप को यहाँ से सेंसर जो है आप लोग देख सकते हैं पैनल में, केबल जो है आप लोग देख सकते हैं पैनल में कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा NOC NC बनाएगा, तो पंप जो होगा ऑनलाइन आएगा और फिर जब प्रेशर जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बार पहुँचेगा तो क्या होगा प्रेशर को फिर ये कमांड देगा पैनल को, तो ये क्या होगा फिर NC रहेगा उसको NO करेगा। तो ये क्या है प्रेशर सेंसर क्या होता है, इस पर डिपेंड होता है। कहीं भी आप जाएंगे आप लोग तो आपको और जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रेशर स्विच है, तो प्रेशर स्विच यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनलेट में लगा हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज के लिए लगा हुआ है इन केस कभी जो पानी का प्रेशर जो है इसमें ज़्यादा आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें आएगा नहीं लेकिन कभी ज़्यादा आ जाता है तो उसके लिए सेफ्टी के लिए लगा है, क्योंकि इनलेट में लगा है तो इससे क्या होगा कि ये कटिंग कट ऑफ इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सेफ्टी पर्पज के लिए लगा है, हर जगह नहीं लगा रहता है, यहाँ पे लगा हुआ है तो इससे कटिंग कट ऑफ का कोई क्या है इस पर डिपेंड नहीं है। ये जो है यहाँ से डिपेंड करता है आउट जो डिस्चार्ज होता है उस पर डिपेंड रहता है। ये सेफ्टी पर्पज के लिए लगा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका पैनल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चला होगा कि बूस्टर पंप क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।